हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट स्टडी। इसमें चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं अपन। फेस्टिवल्स। फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार। वी सेलिब्रेट विद एंड वेडिंग, बर्थडेज एंड वेडिंग। हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे पार्टी और वेडिंग, मतलब शादी। दीज आर स्पेशल ओकेशन। वी आल्सो सेलिब्रेट सम स्पेशल रिलीज और एसोसिएशंस विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमारे जो भी सेलिब्रेट होते हैं, हम जिस समाज के होते हैं, उसमें बहुत बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं समाज के हिसाब से। तो वो हम सबके साथ मिलके रिलीजियस ओकेशन, ये सब हम कब करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। देयर आर कॉल्ड फेस्टिवल। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल, लेट एज नो अबाउट सम ऑफ देम। हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। वी डेकोरेट आवर हाउस विथ लाइट एंड फ्लावर्स। वी प्रे टू गॉडनेस लक्ष्मी। हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, लाइट लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं हाउस को लाइट और फ्लावर से। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वी वियर न्यू क्लॉथ एंड ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स। हम इस त्यौहार में बहुत सारे कपड़े नए पहनते और बहुत सारी मिठाई खाते। सम पीपल ब्रस्ट फायर क्रैकर्स, मतलब फटाके। फायर क्रैकर्स मतलब फटाके, बम फटाके, ये सब अपन दिवाली पर फोड़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिवाली। बेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फैमिली सेलिब्रेटिंग दिवाली हर। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी दिवाली के साथ जो फैमिली फोटो अपन की क्लिक कराते हैं, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। कैसे बनाते हैं, पोंगल। ऑन पोंगल वेयर वी डेकोरेट आवर हाउस एंड वेयर न्यू क्लॉथ्स। पोंगल एक फेस्टिवल होता है, ये डेकोरेट किया जाता है। इसमें भी घर को और न्यू कपड़े पहनते हैं। स्वीट डिश क्लॉथ पोंगल इज प्रिपेयर्ड। पोंगल जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोंगल सेलिब्रेट फेस्टिवल में सब अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और डिश बनाते हैं। गुरु पर्व। गुरु पर्व इज़ ए फेस्टिवल इन विच वी आर सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ द देन सिख गुरु एंड रिमेंबर देम। 10 सिख गुरु का इसमें क्या बोलते हैं, गुरु पर्व होता है, जिसमें गुरु सिख जो होते हैं, गुरुओं के सिख, उसकी उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। वी गो टू द गुरुद्वारा टू प्रे। वो गुरुद्वारा जाते हैं और प्रे करते हैं। पीपल हैव फूड एट द लंगर हेल्ड द गुरुद्वारा। वहाँ पे जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं लंगर। ईद। ऑन ईद वी गो टू मॉस्क्यू टू प्रेयर। वी वियर न्यू क्लॉथ एंड ईट स्पेशल स्वीट कॉल सेवैया। ईद में मस्जिद जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्पेशल ईट होती है सेवैया। ये मोमेडियन लोग खाते हैं, ईद मनाते हैं। क्रिसमस। क्रिसमस मनाते हैं क्रिश्चन। ऑन क्रिसमस वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ क्रिस। वेरी ईयर वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर। वी डेकोरेट ए क्रिसमस ट्री। वी गो टू ए चर्च ऑफ टू प्रे। क्रिसमस में क्या करते हैं, 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं और चर्च में जाके प्रेयर करते हैं। नेशनल फेस्टिवल होते हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ये हमारे 3 फेस्टिवल है जो नेशनल फेस्टिवल है। सेलिब्रेट देम ऑल अराउंड आवर कंट्री। ये तीनों जो फेस्टिवल है वो हमारे सारी कंट्री में, पूरी अवर इंडिया कंट्री में सेलिब्रेट होता है। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। वी होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड साइन पेट्रियोटिक सॉन्ग, मतलब वहाँ पे अपन जनगण मन गाते हैं और नेशनल एंथम फ्लैग, इसको ये इन्होंने कर रखा है। ऐसे अपन अपने अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं ना, आपने देखा है ना, वैसे ही 15 अगस्त को अपन सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको। सेकंड है, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। ऑन दिस डे ए हग पैरेड टेक्स प्लेस एट राजपूत नियर इंडिया गेट इन दिल्ली। इसको भी अपन अधिकतर 15 अगस्त जैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन अपना संविधान लागू हुआ था। अब है ये गांधी जयंती। ऑन 2 अक्टूबर वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी।
एस गांधी जयंती, महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर को, तो ये अपन उनका ये फादर ऑफ नेशन है, तो इनका बर्थडे अपन नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। ये हो गए अपने सारे फेस्टिवल, आपको अब इसको अपनी नोट लर्न करना है और अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।